नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे पोस्ट LSCS का वूंड का केयर के बारे में। मतलब आपका LSCS हो चुका है, सीजर हो चुका है, अब आप स्टिचेस का केयर कैसे रखेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि क्या हम सीढ़ी चढ़ सकते हैं, क्या हम चला फिरी कर सकते हैं, क्या हम नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। यस, आज कल के स्टिचेस आर वेरी सेफ एंड वेरी सिक्योर। आप सब कुछ कर सकते हो एंड स्टिचेस एब्जॉर्बेबल होते हैं, मतलब इसमें सूचर कटिंग का कोई रोल नहीं होता है। जब आपको हॉस्पिटल से घर भेजा जाता है तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि नहाते कैसे हैं और कब वापस आना है। जब आपकी ड्रेसिंग निकाला जाता है और अगर ड्रेसिंग ड्राई है तो उसके बाद यू हैव टू हैव नॉर्मल बाथ। नॉर्मल नहाते हैं पानी और साबुन के साथ, ड्राई रखते हैं स्टिचेस को। आप कोई भी कॉटन का वॉर्म कॉटन का पैड टॉवल से आप वो स्टिचेस को ड्राई रखिए एंड उसके बाद जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स वो आप लगा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ये भी कॉल करके पूछते हैं कि ऑइंटमेंट्स को कितनी बार लगाते हैं। आप जितनी भी बार लगाना चाहते हो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर प्रेफरेबली वन टाइम इन द मॉर्निंग नहाने के बाद एंड वन टाइम इन द नाइट जस्ट सोने से पहले। अब स्टिचेस में अगर परेशानी होती है तो आपको ऐसे क्या इंडिकेटर्स मिलता है। नंबर वन, आपको फीवर आएगा। अगर आपके ब्रेस्ट्स एनगॉज्ड नहीं है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग नहीं है या खांसी सर्दी नहीं है या यूरिन में जलन नहीं है बट आपको फीवर आ रहा है, अगर आपको स्टिचेस में पेन है, स्टिचेस में स्वेलिंग है, स्टिचेस से कोई पानी या येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स योर स्टिचेस आर गेटिंग इन्फेक्टेड। आजकल नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक कवरेज इज़ सो गुड एंड सूचर्स बहुत अच्छा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बॉडी में रिएक्शंस नहीं होते हैं। बट फिर भी अगर आपको हो रहा है यू हैव टू शो योर डॉक्टर, क्योंकि इसके लिए आपको इलाज करवानी पड़ेगी। अगर इन्फेक्शन रहता है तो पूरी तरह से स्टिचेस पक जाएंगे और फिर स्टिच ओपन भी हो सकता है एंड अगर स्टिच ओपन होता है तो बाद में दोबारा लगाने का नौबत आ जाता है। दैट्स वाई इट हैज़ टू बी ट्रीटेड अर्लियर। तो अगर आपको कोई भी डिस्चार्ज पेन या फीवर होता है तो प्लीज़ गो एंड शो योर डॉक्टर। एज फार एज स्टिचेस आर कंसर्न, ये बिल्कुल कोई भी दूसरे स्टिचेस जैसे ही होता है तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के जो स्टिचेस होते हैं वो 7 to 10 days में पूरी तरह से सूख जाते हैं, बट जो अंदर के स्टिचेस होते हैं स्पेशली यूट्रस के जो स्टिचेस होते हैं उसमें एटलीस्ट 6 weeks लगता है मिनिमम, समटाइम्स इवन 3 months। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परहेज बोलते हैं कि भारी सामान नहीं उठाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए स्टिचेस के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रूटीन काम शुरू कर सकते हैं, बेबी को देख सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस कि आपको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हर्निया है या हर्निया का रिपेयर भी किया है तो आपको एडेड प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ हैव अ गुड बाथ विथ सोप एंड वाटर, ड्राई रखिए अपने स्टिचेस को, ऑइंटमेंट रेगुलरली लगाए, बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएं, तो इससे आपका वूंड हीलिंग बहुत अच्छा होगा। फिर भी आपको और भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।